साल 2023 में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप की तैयारियों में जुटी टीम इंडिया ने अपने पहले ही वनडे मैच में एक ऐसा बड़ा फैसला ले लिया है जिसने टीम इंडिया के भविष्य पर सवाल उठा दिए हैं। दरअसल एक बार फिर टीम इंडिया वैसी ही गलतियां दोहराती हुई नजर आ रही है जैसी बीते साल 2022 में दोहराती हुई नजर आई थी। प्लेइंग 11 गलत चुने जा रहे हैं और ऐसे ऐसे खिलाड़ियों को टीम से बाहर किया जा रहा है जो कि टीम के लिए एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं। और साथ में रोहित शर्मा के ऊपर भारत के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी बहुत ज्यादा नाराज हुए हैं। अब पूरा मसला क्या है आपको आगे पता चलेगा। समय क्रम एक तरफ पाकिस्तान न्यूजीलैंड के साथ अपनी सीरीज खेल रहा है जबकि उसके साथ ही भारत और श्रीलंका की श्रीलंका के अंदर ओडीआई सीरीज शुरू हो चुकी है और आज उसका पहला मैच जारी है। लेकिन मैच शुरू होने से पहले ही भारत के अंदर भारतीय क्रिकेट टीम और ड्रेसिंग रूम के अंदर एक नई कंट्रोवर्सी ने जन्म लिया है जिससे अब भारत के क्रिकेट में एक नया भूंचाल आ चुका है। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के ऊपर ये इल्जाम लग रहा है कि वो अपनी मन मर्जी और पसंद के खिलाड़ियों को प्रमोट कर रहे हैं, आगे लेकर आ रहे हैं और उसमें उन्हें कोच राहुल द्रविड़ का पूरा पूरा साथ है। केएल राहुल जो पिछले कई मैचेस में T20 हो या ODIs उसमें बुरी तरह नाकाम हुए हैं, उन्हें दोबारा वापस लेकर आया गया है ODI कैंप में और आज का मैच भी वो खेल रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ कई मैचेस ड्रेसिंग रूम में बैठने के बाद चांस हासिल करने वाले ईशांत किशन जिन्होंने अपने पहले ही मैच में बांग्लादेश के खिलाफ 200 रन स्कोर किए थे और जो कि 200 रन थे उन्हें ODI से बाहर कर दिया गया है, यानी वो आज का मैच नहीं खेलेंगे। ये वो चंद बातें हैं भारतीय क्रिकेट लेजेंड्स ने कई सवालात उठा दिए हैं और इसे रोहित शर्मा और राहुल द्रविड की मिलीभगत करार दिया है। और इस वीडियो के शुरू में आपने जो क्लिप सुना था और आगे चलकर डिटेल में आपको दिखाएंगे किस तरह अब भारत का मीडिया ये कहने लग चुका है कि भारतीय क्रिकेट के अंदर अकरबा परवरी दोस्ती यारियां और अपनों के नवाजने का सिलसिला बंद नहीं हुआ और ये वही सिलसिला है जिसकी वजह से पिछले 10 सालों से भारत के अंदर कोई भी कप नहीं आया और ना ही कोई बड़ा टूर्नामेंट भारत ने जीता है। अगर आप पिछले 1.5 साल में देखें उसमें भी यही सब कुछ करने की से भारत की क्रिकेट इस नहज पर पहुंची है। बहरहाल इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आइए आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि सारे मामले पर भारत में किस तरह एक नया बवाल उठ खड़ा हुआ है। श्रीलंका के खिलाफ पहले वनडे मैच के लिए ईशान किशन को टीम से ड्रॉप करना भी ऐसा ही एक फैसला है जो कि साल 2023 में टीम इंडिया की तैयारियों और साथ ही साथ कप्तान रोहित शर्मा की गलतियों को बुरी तरह एक्सपोज करता हुआ नजर आ रहा है और टीम इंडिया की इसी गलती पर अब पूर्व भारतीय क्रिकेटर्स भी नाराज होते हुए नजर आ रहे हैं। पूर्व क्रिकेटर्स ने कप्तान रोहित शर्मा से लेकर कोच राहुल द्रविड़ पर सवाल उठा दिए हैं। श्रीलंका के खिलाफ होने वाले गुवाहाटी वनडे से पहले कप्तान रोहित शर्मा का ये ऐलान करना कि वो अपने प्लेइंग 11 में बांग्लादेश के ही खिलाफ वनडे क्रिकेट में 2 रन शतक बनाने वाले ईशान किशन को ड्रॉप करने वाले हैं पूर्व भारतीय क्रिकेटर्स को रास नहीं आ रहा है। सोशल मीडिया पर तो फैंस रोहित शर्मा के लिए इस फैसले पर अपनी भड़ास निकाल ही रहे हैं लेकिन पूर्व क्रिकेटर्स ने भी रोहित शर्मा के इस फैसले को बड़ी गलती बताया है। साल 2007 में खेले गए T20 वर्ल्ड कप में अपनी कोचिंग में टीम इंडिया को T20 वर्ल्ड कप की चैंपियन बनाने वाले पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद ने रोहित शर्मा के फैसले पर सवाल उठाए हैं। वेंकटेश प्रसाद ने कहा है कि यहाँ उस खिलाड़ी को टीम इंडिया में मौका मिलना चाहिए था जिसने 2 रन शतक जड़ा है। गिल को यहाँ राहुल की जगह खिलाया जा सकता है लेकिन अगर आप यहाँ एक्स फैक्टर खिलाड़ी को ही टीम से बाहर कर रहे हैं तो ये चिंता का विषय है। यही कारण है कि लिमिटेड ओवर क्रिकेट में हम अच्छा क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप लगातार बदलाव कर रहे हैं और जो अच्छा कर रहे हैं उसे आप मैच नहीं दे रहे। गौरतलब है कि कप्तान रोहित शर्मा ने श्रीलंका के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज के लिए शुभमन गिल को अपना ओपनिंग पार्टनर चुना है। हालांकि शुभमन गिल लगातार रन बना रहे हैं और बीते साल उनका वनडे क्रिकेट में औसत भी करीब 70 का रहा है लेकिन ऐसा माना जा रहा था कि पिछले मुकाबले में ईशान किशन का वनडे क्रिकेट के इतिहास का सबसे तेज 2 रन शतक बनाना प्लेइंग 11 में उनकी जगह को पूरी तरह मजबूती दे गया है लेकिन रोहित शर्मा ने अपने फैसले को ये दलील देते हुए बचाने की कोशिश की कि उन्होंने सिर्फ उन्हीं खिलाड़ियों को मौका देने के बारे में सोचा है जिन्होंने बीते 6 महीनों में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। हालांकि वेंकटेश प्रसाद इससे भी पूरी तरह इत्तेफाक नहीं रखते। वेंकटेश प्रसाद ने रोहित शर्मा की इस दलील पर भी ऋषभ पंत का एक पुराना उदाहरण देते हुए टीम इंडिया पर तंज कसा है। इंग्लैंड में पंत ने फाइनल वनडे में शतक बनाया था और टीम को सीरीज जीत दिलाई थी लेकिन T20 फॉर्म को देखते हुए आपने उन्हें वनडे से भी ड्रॉप कर दिया जबकि दूसरे छोर से
केएल राहुल लगातार फेल हो रहे हैं, लेकिन फिर भी आप उन्हें मौका दे रहे हैं। ऐसे में प्रदर्शन यहाँ आपके लिए पैरामीटर नहीं है। यूं भी अगर टीम इंडिया के खिलाड़ियों के प्रदर्शन को देखा जाए तो जहाँ सीनियर बल्लेबाज लगातार रन बनाने में संघर्ष करते हुए नजर आए हैं, वहीं युवा बल्लेबाजों ने खुद को मिले ज्यादातर मौकों को बनाया है। टीम इंडिया के प्लेइंग 11 में कप्तान रोहित शर्मा से लेकर केएल राहुल, शिखर धवन और कुछ महीनों पहले तक विराट कोहली भी अपनी जगह को लेकर संघर्ष कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर युवा बल्लेबाजों में शुभमन गिल से लेकर ईशान किशन और श्रेयस अय्यर ने अपनी टीम इंडिया में दावेदारी पर खुद के प्रदर्शन से मुहर लगा दी है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि 2023 के वनडे वर्ल्ड कप से पहले एक बार फिर टीम इंडिया अपनी उन्हीं गलतियों को दोहराती हुई नजर आ रही है जिनका खामियाजा बीते साल टीम इंडिया को भुगतना पड़ा था। अब देखना यही है कि कप्तान रोहित शर्मा अपनी इन गलतियों से कब तक सबक लेते हैं। जो सीनियर प्लेयर्स हैं जैसे कि रोहित शर्मा हो गए, केएल राहुल हो गए, साथ साथ विराट कोहली हो गए, तो ऐसे खिलाड़ी आपको खेलते हुए फिर से दिखाई देंगे और ऐसे में आप सबके लिए एक और इंटरेस्टिंग मोमेंट रहेगा इसको देखने, क्योंकि वापसी हो रही है हमारे सीनियर खिलाड़ी। रोहित शर्मा ने भी बोल दिया है, अगली खबर है जो कि हमारी, कि भाई T20 क्रिकेट अभी मेरे लिए खत्म नहीं हुआ है, मैं इंटरनेशनल T20 क्रिकेट और भी खेलूंगा और मेरा अभी कोई ऐसा मन नहीं है कि मैं T20 को टाटा बाय बाय कर दूं। तो टीम मैनेजमेंट ने तो अपना डिसीजन एक तरीके से सुना दिया है उनको क्या करना है, लेकिन रोहित शर्मा का वर्जन ये है, वो चाहते हैं आगे खेलना और अगर परफॉर्म कर रहे हैं तो फिर उसमें कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं होनी चाहिए। अब जल्दी से आखिरी खबर की तरफ बढ़ते हैं और आपको बता देता हूं मैं कि भारत के जो पूर्व दिग्गज खिलाड़ी हैं वो रोहित शर्मा के ऊपर नाराज होते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा है। यहां पर मैं बात कर रहा हूं वेंकटेश प्रसाद की और रोहित शर्मा के ऊपर वो काफी ज्यादा गर्म हुए हैं। अब जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा आए थे तो फिर उन्होंने बोला था कि शुभमन गिल उनके साथ ओपन करते हुए दिखाई देंगे और साथ में जो ईशान किशन है उनको बाहर बैठना पड़ेगा और ये काफ़ी ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अब इस बात को लेकर के वेंकटेश अय्यर ने रोहित पर गुस्सा निकाला है, उन्होंने ट्विटर के माध्यम से अपने मन की बात कही है। उन्होंने बोला है कि रोहित शर्मा ने ये जो डिसीजन लिया है, ये जो बात टीम मैनेजमेंट ने की तरफ से आई है शुभमन गिल को खिलाना और ईशान किशन को बाहर बिठाना, बोले यही एक वजह है जिसके कारण टीम इंडिया अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है ODI सीरीज में या ODI फॉर्मेट में। अब जो प्लेयर परफॉर्म करता है उसको बाहर कर देते हैं। पिछली सीरीज में जब ईशान किशन ने दोहरा शतक बनाया था, आपने इस सीरीज में उनकी T20 फॉर्म देखते हुए आपने उनको बाहर बैठा दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। शुभमन गिल के पास बहुत ज़्यादा समय है अभी और ऐसे में आपको ईशान किशन को ट्राई करना चाहिए था, इतना कॉन्फिडेंस उनके पास था अभी और आप उसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। तो वेंकटेश प्रसाद ने इस बात को क्लियरली बोल दिया है, नाराज हुए और उन्होंने साथ साथ एक और सवाल उठाया, उन्होंने सवाल उठाया कि T20 फॉर्म देखते हुए आप किसी भी खिलाड़ी को बाहर बिठा देते हैं, लेकिन KL राहुल जो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रहे हैं अपनी, उनको आप लगातार टीम में खिला रहे हैं। तो भाई पैरामीटर जो टीम में खेलने का है वो परफॉर्मेंस नहीं है, ये सबसे बड़ी बात उन्होंने कही है और ये काफ़ी ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण उन्होंने बताया है।